श्री अभिषेक के साथ हूँ यानी कि मैं बंगाल मोटर्स पे हूँ और यहाँ का स्टॉक्स के बारे में मैं फिर से नया कुछ कहूँगी नहीं पता है आप सबको और अभिषेक ही कुछ कहेंगे। कह नमस्कार फिर आ गई है हर महीना आते रहते हाँ। हैं और बहुत कोई आएगा आ, मतलब मतलब क्या बोलूँ आपको बहुत कोई आएगा आपको थोड़ा दिखा के चला जाएगा लेकिन हम लोग हर महीना आएंगे कोशिश करते हैं हर महीना दो बार आने का लेकिन आ नहीं पाते स्टॉक रेडी करते हैं कस्टमर आता है वो स्टॉक भी निकल जाता है वो भी निकल जाता है और तो मैं वीडियो करने आऊं या फिर अभिषेक बोल दीदी फिर से निकल गया फिर से निकल गया <laughs> तो ऐसा होते रहता तो ऐसा होते है क्योंकि आप लोग को चार पांच गाड़ी दिखा के अच्छा नहीं लगता है थोड़ा अच्छा हाँ। स्टॉक एटलीस्ट पंद्रह होती तो, है मैं, तो 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 हाँ, 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 हाँ। मैं दुकानदार हूँ मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा जितना दुकान सजा हुआ होगा तो उतना अच्छा लगता है खुद को टे कॉन्फिडेंस होता है तो जैसे ही आप लोग सब जानते हैं बेंगल मोटर्स मैने फर्स्ट आपका तीन चीज आप एकदम ध्यान में रख लीजिए मतलब आपको नॉन एक्सीडेंटल एकदम नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी जैसे कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेने के टाइम में सोचता है कि गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है हाँ। तो आप बेंगल मोटर्स में ये निश्चिंत रहिए कि आपको एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलेगा अगर आपको एक्सीडेंटल गाड़ी दिया गया है तो आप सेवन डेज का अंदर में आके क्लेम करके फुल पैसा रिफंड करके और एक लाख रुपए जैसे मैं बोलता एक्स्ट्रा दूंगा फॉर फॉर योर पेनल फॉर पेनल्टी वाइज मैं एक पेनल्टी के लिए क्यूँकी आपका एक हैरेसमेंट आपका एक माइंड सेट था गाड़ी फिर आपको वो गाड़ी गलत निकला तो आप सेवन डेज का अंदर आके गाड़ी को रिटर्न, पूरा रिटर्न कर सकते। return, साथ में और लाख लाख रुपए जस्ट लेके जाइएगा ऐसे मैं मुंह नहीं बोलता हूँ दीदी मेरा बिल में भी ये लिखा होता है आप लीगली मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हैं तो अभी यही मैं कहना चाहता हूँ नॉन एक्सीडेंटल गारंटी ये आप एकदम सोचिए मत बाकी देखिए कोई इंजन का हेड से अगर मोबिल लिक कर रहा है तो वो सब काम हो सकता है लेकिन एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं देंगे तो ऐसा नहीं गाड़ी में कुछ ना कुछ स्क्रैचेस वगैरह उसको एक्सीडेंट के हिसाब से काउंट नहीं करते हैं Accidental मतलब आपका major accident कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आगे उसको तो, उसको तो, accidental नहीं, तो बोला accidental जाता नहीं बोलते जैसे नहीं, लास्ट... मैंने मैं क्यों किया क्यूँकी बहुत लोगों का गलत फहमी है की देखिए यहाँ पे तो स्क्रैच है ये एक्सीडेंटल ऐसा नहीं होता जैसे लास्ट लास्ट एक लास्ट एक वैगनर था दो वीडियो दो पहले का बात बोल रहा हूँ जैसे मैं नॉन एक्सीडेंटल देता हूं तो कस्टमर सर्विस रिकॉर्ड में सात हजार का काम हुआ है फ्रंट बम्पर चेंज एंड फ्रॉम बम्पर रिपेयर तो वहां पे एक्सीडेंटल लिखा था अगर आप एक लुकिंग ग्लास भी चेंज करेंगे तो वो भी एक्सीडेंटल रिपेयर हाँ। लिखा देगा तो उसको एक्सीडेंट नहीं बोला जाता जा सकता है किसी कारण से बम्पर में लग गया एक्चुअली uh, वो गाड़ी क्या एक uh, थोड़ा पत्थर में साइड में वाल में लग गया था बोल के बाम पर फूट गया था बोल के कस्टमर ने उसको रिप्लेस करवाया फिर मैं कर, वो कस्टमर को पहले ओनर से बात भी करवाया और सेवन थाउजेंड का कोई एक्सीडेंटल

अच्छा सामान दूंगा आज का डेट में आज का डेट में मैं घर में भी सो 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 जाएगा ना तो बेंगल बिकना है कोई अटक नहीं सकता है ठीक है जितना भी जो कोई आ जाए जो कोई जो कुछ कर ले बोनेट खुल के दिखाए इंजिन इंजिन आपका क्या नाम है विश्वदीप अरे पायल हॉल का पास में सिनेमा हॉल क्या नाम है पायल हॉल पायल का बाद में एक अरे ना भी वो तो विशाल विशाल सिनेमा का पीछे एक कारवास है और भी एक कारवास है वो कारवास बहुत बढ़िया है वो कारवास में दो हजार रुपया देने से वैसा कर देता है तो उससे आपका गाड़ी ऐसा नहीं होता है कि मतलब हीरा वगैरह कुछ सोना वगैरह लगा हुआ है वो लोग हम हम भी कर सकता है लेकिन इंजिन जो एरिया है वो आप उतना पानी मार के साफ नहीं करना ही ठीक है क्योंकि हर गाड़ी में यहाँ पे लिखा होता है पैसा से बिजनेस नहीं कर रहा होता था मेरा इसमें एक्सपीरियंस है यहाँ पे ई होता है बहुत कुछ होता है तो वो सब जो केमिकल यूज़ करता है ना वो तीन चार महीना बाद जाके आपको इशू होगा ये आप मेरे से लिख के लीजिए क्योंकि जो जितना भी वायर वायरिंग हरने से उसमें वो सब पानी जाता है ना तो बाद में असर होता है उसका क्योंकि वहाँ पे आपका वायरिंग में आपका वो हो जाता है एक, कार अरे सल्फर डिपोजिट हो जाता है उससे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाता है गाड़ी में तो कभी भी ऐसे इतना साफा हुआ है ये सब जगह तो वो सब गाड़ी सोचिए एकदम हाई प्रेशर पंप से ये सब किया हुआ इंजन कंपार्टमेंट कौम्पन, कंपार्टमेंट को आप जस्ट एक वेट कपड़ा से पोछिए उससे ज्यादा कुछ मत कीजिए हाँ तो उसमें तो पानी तो डालना ही नहीं है पानी तो डालना ही नहीं है तो उतना साफा बहुत सारा वॉशिंग सेंटर में देखा की एकदम प्रेशर वॉशर से प्रेशर वॉशर उसका तो कुछ तो तो उस नहीं जाता है ना बाद में इफेक्ट आएगा इफेक्ट होता है बाद में इफेक्ट आएगा जैसे गाड़ी और ह्यूमन बॉडी आप, आप खुद ही मत कीजिए क्योंकि बहुत लोग आजकल ना प्रेशर वॉशर तो आपका ऑनलाइन मिलता है चलो लेके मैं घर पे ही वॉश प्रेशर वॉशर कहा के लिए बिना नॉलेज आप घर पे वॉशिंग मत कीजिए प्रेशर वॉशर जिस अंडर बॉडी के लिए अंडर बॉडी के लिए प्रेशर वॉशर तो है एक ह्यूमन बॉडी और गाड़ी सेम है जैसे आपका कान में नाक में पानी चला गया बाद में उससे आपका इन्फेक्शन हो जाता है ना सेम गाड़ी का भी सेम है तो आप ये सोचिए एक ह्यूमन बॉडी और गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है तो आ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा दिखा रहा है, बोनेट, सेंस है, तो उससे क्या होता है उससे क्या उसका गाड़ी का धरती में चला नहीं चांद में चला है साफ करके दिखा रहा है, है। देखिये महंगा बेचने के लिए आदमी को तो कुछ में चलने से भी थोड़ा बहुत तो मिट्टी लगेगा नहीं तो गाड़ी गाड़ी नहीं एयरप्लेन है एयरप्लेन है तो तो आप कुछ महंगा बेचने के लिए एक गाड़ी तो कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा तो ये सब बुद्धि है नंबर वाला एक बुद्धि है <laughs> all, है आफ्टर ऑल वेस्ट ये कॉमन चीज आदमी का जो समझता है जो समझदार है बंगाल क्यों आप कोई भी स्टेट का गाड़ी आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी चला सकते हैं अगर आपके पास पेपर सारा नहीं लेकिन अदर स्टेट का गाड़ी एट महीना ही चला सकते है चला, तो सकते हाँ, चला सकते हैं चला सकते हैं जैसे मैं घूमने गया यहाँ से आंध्र हाँ। प्रदेश तो मैं क्या आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन करके जाओ हाँ। नहीं वो टैक्सी में, तो नहीं में जा सकते हैं उसका परमिट लेना पार्मिट पड़ेगा परमिट लेना लेकिन आप ये वाँ। में जाएंगे तो कर सकते हैं व्हाइट नंबर प्लेट आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं लेकिन अदर स्टेट का गाड़ी जैसे सिक्किम का गाड़ी वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा का गाड़ी वेस्ट बंगाल में महीना टाइम देता है आपको और जैसे आप बेंगल का गाड़ी जैसे डब्ल्यू बी है ट्वेल्व मतलब हावड़ा हावड़ा का गाड़ी आप वेस्ट बंगाल में कहीं भी कोना में आप चलाइए ये एकदम लीगल है एकदम लीगल है नेम ट्रांसफर भी एकदम इजी हो गया मेरा गाड़ी कलकाता नंबर क्यू होता है दीदी गाड़ी आपका सामने है गाड़ी लास्ट सर्विस रिकॉर्ड ट्वेंटी फोर थाउजेंड है उसका बाद गाड़ी शोरूम में सर्विस नहीं हुँ। हुँ। हुआ है वो भी सात महीना पहले अभी गाड़ी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर ड्रिवेन है पूरा सर्विस रिकॉर्ड है दो चाबी से लेके सब कुछ अवेलेबल है आज वैसे कितना स्टॉक्स देखेंगे

वो सब गाड़ी सब रिफब्रिस्ड कर तो आप आपका पैसा है लगाने से पहले पैसा को थोड़ा सोच के लगाइए ये कौन से साल की है ये से तो, है? ये सेवनटीन का गाड़ी है सेवनटीन की और फर्स्ट ओनर है हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है बेंगल मोटर्स ज्यादातर फर्स्ट ओनर में डील करता है और बेंगल मोटर्स का लास्ट एक पॉलिसी है क्वालिटी हो गया दीदी लो प्राइस आपका एक हो गया नॉन एक्सीडेंटल क्वालिटी क्वालिटी ऐसा आपको नहीं मिलेगा गारंटी क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं प्राइस एकदम प्राइस भी सबसे कम प्राइस भी सबसे कम ये आप एकदम सोच लीजिए मार्केट तोड़ लीजिए कुछ भी कर लीजिए कलकत्ता तक देख लीजिए प्राइस नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट और एक और एक चीज़ में आते हैं कि गाड़ी हम लोग का जो भी मैं गाड़ी आज बेच रहा हूँ जस्ट जिस दिन में बिलिंग होगा जैसे आप आज एक गाड़ी एक लाख रुपए में हाँ, ले रहे हो हाँ, सपोज हाँ, तो क्या होगा आप आज, आज कितना तारीख है पांच तारीख है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है आज पांच तारीख है काम करते करते ना क्या दिन क्या कुछ सब भूल गया हाँ। तो ये हो गया छ पांच तारीख है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर 25, 26 मतलब ये छः महीना है ना जनवरी मार्च में जून जून का पाँच तारीख का 2026 तु का पहले आप आइए मेरे को ये गाड़ी फिर वापस कीजिए वापस कीजिए सिर्फ 30 परसेंट रेपेशन में क्योंकि नेम ट्रांसफर हो जाता है बिल में लिख के दूंगा और लिखा होता है तो थर्टी परसेंट में सेवेंटी थाउजेंड हाथ में लेके जाइए नहीं ऐसा नहीं एक्सचेंज नहीं, नहीं। गाड़ी छोड़ दीजिए मतलब पैसा, पैसा ले जाइए अच्छा। रिसेल। पैसा रिसेल ले जाइए अगर आप गाड़ी एक्सचेंज कर रहे दे के ले देवेंटी फाइव परसेंट अच्छा तो इससे आपको मालूम हो जाएगा आप लोग का भाई अभिषेक कितना कमा है एक गाड़ी से ठीक है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो, तो चलिए दीदी ये गाड़ी में बहुत एक खास है।, है जैसे मैं बोलता हूँ गाड़ी में जैकपॉट है लाइफ टाइम टैक्स लाइफ टाइम टैक्स वाला है लाइफ टाइम टैक्स होंडा का बी आर वी बी आर वी मतलब होंडा सिटी का इंजिन आईवीटेक टेक्नोलॉजी का साथ पेट्रोल इंजिन बहुत माइलेज आपको आग बंद करके माइलेज आपको सोलह सत्रह का दे देगा ऐसे नहीं बोलूंगा बीजेस कितना सोलह सत्रह का देखिए लाइफ टाइम टैक्स पेड डेढ़ लाख का तो टैक्स भरा है डेढ़ लाख का तो टैक्स भरा है गाड़ी का, का टैक्स है मोटा आपका लाख जैसा तो साल का 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 एक बार में टैक्स गाड़ी प्राइस कर दूंगा आज के लिए साढ़े छह लाख रुपया साढ़े छह लाख में साढ़े छह लाख में डब्लू आर बी साढ़े छह लाख में एकदम और दीदी थोड़ा फीचर्स में आते हैं गाड़ी का जरूर लाइफ टाइम टैक्स तो हो गया वो हाँ। तो पेपर में हो गया गाड़ी का फीचर्स में डायमंडल अच्छा कोई बोल रहा था एलविल में दाग नहीं है। हम लोग का भी नहीं होता है आप दिखाएंगे डायमंड दिखा का नहीं तो दिखा, दिखाएंगे दीदी प्लीज लेकिन हम लोग उतना बताते नहीं क्यों बताए गाड़ी अच्छे क्वालिटी बेस्ट मतलब एक बात में सब कुछ खत्म ऐसा इतना दिखा के फायदा नहीं है तो ये सब करके गुमराह मत चीजें आदमी को हाँ फीचर्स में फीचर्स में आते हैं गाड़ी का जो है सबसे बड़ा आपको दो एयरबैग हो गया गाड़ी में हो हो गया, हो गया, आपका डायमंड कार्ड एलोय हो गया मतलब क्या बोले जो जो फीचर्स होना चाहिए प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया सब कुछ गाड़ी में अवेलेबल गाड़ी में है एक दो हेयर हेयरलाइन स्क्रैच है गाड़ी में, अभी दे दे मेरे नजर में तो नहीं, नहीं आएगा लेकिन एक दो जगह जस्ट एक दो जगह माइनर स्क्रैच है गाड़ी आप लीजिए आग बंद करके चले और ये कंफ्यूशन होता है होंडा का ये वाला कलर आपका ब्लैक नहीं है ये ग्रे टाइप है डीप ग्रे ग्रे भी नहीं ये मतलब, ब्राउन्स कलर ब्राउन्स कलर जैसा है तो ये ब्लैक नहीं है तो क्योंकि कैमरा में नहीं आता है हाँ हाँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है आज जितना भी गाड़ी है दीदी आप लोग आइए गाड़ी एक बार चला के देखिए लेना देखे नहीं पड़ेगा आप आके गाड़ी चला के देखिए गारंटी है ये सब गाड़ी आप लोग का सपना में भी आएगा अगर नहीं ले पाया तो सपना में भी, भी आएगा नहीं गाड़ी <laughs> देख के आया था एक गाड़ी ठीक है तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते हैं नेक्स्ट तो दीदी होंडा का सेवन सीटर था चला गया तो आइए देखते हैं मारुति का सेवन मारुति सीटर पंद्रह का गाड़ी पंद्रह का का गाड़ी में कुछ ऐसा सामान नहीं है लगाना पड़ेगा ये गाड़ी देखने से ही ना मुझे सबसे पहले क्या आता है दिमाग में बोले तो माइलेज माइलेज हाँ माइलेज माइलेज इसका भी सत्रह सत्रह अठारह माइलेज है सेवन सीटर में और क्या चाहिए हाँ माइलेज बहुत अच्छा आप एक सेवन सीटर गाड़ी चला रहे हो सात जो लेके हुँ, जा रहे हो पंद्रह दे तो वही बहुत है वो भी बहुत, बहुत, बहुत सत्रह अठारह देता ही है सत्रह अठारह देता ही है क्योंकि स्विफ्ट का इंजिन वन पॉइंट टू लीटर है स्विफ्ट का इंजन है फोर सिलेंडर अच्छा तो कौन से साल की है ये पंद्रह का पंद्रा का आरटीगा पचीस टैक्स मिड ऑफ द ट्वेंटी फाइव में टैक्स एकदम नजदीक नहीं है एक साल आप पकड़ लीजिए लीजियेगी टैक्स से फोर डोर पावर विंडो एसी पावर स्टेयरिंग सभी कुछ है गाड़ी में वी एम पी सब आपका ये वाला गाड़ी एट्टी फाइव परसेंट बोनेट वगैरह सब ओरिजिनल है

क्योंकि है। है। तो सब सब क्यूँकिल एडजस्टेबल नहीं है एडजस्टेबल चैलेंजिंग है। साढ़े पांच लाख का नीचे आपको आटेगा पांच लाख के नीचे तो नहीं मिलेगा पंद्रह का गाड़ी जितना भी टैक्स कि टैक्स फेली हो कितना में दे रहे हैं आज के लिए प्राइस होगा ओनली ओनली कर देंगे आपके लिए फिक्स कर देंगे एकदम प्राइस फोर लाख नाइन्टी थाउजेंड फोर लाख नाइन्टी थाउजेंड में पंद्रह का आर्टिका फोर लाख नाइन्टी का वैगन और तीन लाख में बिक्री होती हाँ। तो अब आर्टिका लेके जाइए ये दाम में तो चलिए नेक्स्ट नेक्स, लेते नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेरो बोलेरो है, बोले है।, बोले है महिंद्रा है मेरा फेवरेट है शुरू करते हैं तो नेक्स्ट आते हैं एक्स यूवी में एक्स्यूवी फाइव हंड्रेड डब्लू एट डब्लू एट डब्ल्यू एट मैंने डब्ल्यू एट मैंने आपका टॉप मॉडल प्रोजेक्टर हेडलैम चार एयर बैग से लेके आपका एडजस्टेबल से लेके लास्ट रो रोहतक ए सी रेयर है रेयर वाइफर रेयर डिफॉगर सब कुछ गाड़ी हाँ, हाँ गाड़ी आपका कौन से साल एट्टी फाइव टू नाइनटी परसेंट ऑरिजिनल पंद्रह का गाड़ी पच्चीस तक टैक्स आज के लिए प्राइस हो जाएगा पांच लाख बीस हजार रुपया पांच लाख बीस हजार रुपया में आप एक्स मतलब सोच के बोलते हो या फिर क्या पहले से सोच <laughs> बोल के रहे? सोचता हो क्या कर दिया <laughs> तो आप टेंशन मत लीजिए कोई भी गाड़ी हो कोई भी गाड़ी हो तो आप मतलब बेंगल मोटोर्स से ले रहे हैं मतलब आपका एक्सेंज का तो नहीं एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है क्या मैंने सही सुना क्या मुझे बाद में फिर से एडिट करना पड़ेगा क्या ये ट्वेंटी थाउजेंड में दे देंगे डब्ल्यू ए ट्वेंटी डब्लू टॉप मॉडल एलओ से लेके गाड़ी में सब कुछ सब है कुछ साइड वगैरह इंटीरियर थोड़ा अच्छे से देख लीजिए बहुत बढ़िया गाड़ी क्या है दिखाने लायक है प्रोजेक्टर हेडलैम्प डी आर एल सब कुछ गाड़ी में अवेलेबल है और इसका तो फिर बोले रहो बोले रहो फिर बोले रहो अच्छा ये वाला बोले रहो में मतलब क्या कुछ कुछ बाकी नहीं है बोले रहो बोले बोले रहो बोले है बोले रहो बेंगल मोटर्स बोले का किंग था है और रहेगा तो बोले With lifetime tax. जो लोग ना मुझे बोले रहो बोल बोल के बोल बोल के तंग चुके हैं ना उन लोगों के लिए ये वीडियो है ये वीडियो बोले बोले अगले बार नहीं आया था उस बार भी बोले रहा था बोले रहा था बहुत सारा बोले रहा था ये बोले रहो बीस का बी एस फोर बी एस फोर हाँ बी एस फोर बी एस सिक्स मार्च से मार्च से आया था अच्छा मार्च से इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये गाड़ी मार्च का ही है मतलब एकदम मतलब आप बी एस फोर का लास्ट मॉडल बी एस फोर बोले रहो बीस का मैन्युफेक्चर बीस का ही रजिस्ट्रेशन अच्छा. ऐसा नहीं उन्नीस बीस का है बीस का गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स जैकपोर्ट बोले रहो लाइफ टाइम टैक्स मिलता ही नहीं जैकपॉट गाड़ी हाँ जैकपॉट मतलब सुपर जैकपोर्ट क्यूँकी बोले रो में लाइफ टाइम टैक्स बोले रो ल में ये दो नंबर है मेरा इतना हजार पहले भी था हाँ एक की था व्हाइट कलर में उन्नीस हाँ। का गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स आज फिर और एक मिला बीस का लाइफ टाइम टैक्स बोलो रो मिलता ही नहीं है लाइफ टाइम टैक्स में दूसरा गाड़ी मिल बोलो जाता रो ही है। नहीं मिलता है और लाइफ टाइम लाइफ टाइम टैक्स गाड़ी में दीदी क्या कुछ नहीं है फोर डोर पावर विंडो से लेके ये तो कंपनी का फीचर्स हो गया हाँ। देखिए ये ये कंपनी का वाला... फीचर्स अगर आपको बोलेरो का जानना है गूगल कर लीजिए बाकी क्या पता नहीं, नहीं, नहीं सिंप, एकदम सिंपल फीचर तो एक फीचर किसी चा... को पता नहीं है, और बोलेरो कोई फीचर्स के लिए तो लेना नहीं जाना नहीं जाता है बोलेरो बोलेरो है एकदम काम का चीज बेंगोली मीडियम सरकारी स्कूल का लास्ट बेंच वाला बंदा ठीक है वो है बोलेरो मैं हमेशा फर्स्ट बेंच <laughs> नहीं, नहीं। कॉलेज तक दीदी <laughs> <I20 है। laughs> तो आई ट्वेंटी है ये बोलेरो तो ये हो गया रूफरेल से लेके थार वाला आ, फेंडर अच्छा थार वाला फेंडर बम्पर एडोन से लेके जिसका गाड़ी था क्या कुछ नहीं किया सुपर जैकपॉट वाला ये जो बोलेरो है देखिए दिखी, देखिए तो मैं प्राइस तो सुनना हरा घाटा हुआ गाड़ी अगर होता है भाड़ा खटा हुआ गाड़ी नहीं है। कुछ नहीं करते और किलोमीटर जान के आप हैरान हो जाएंगे किलोमीटर है किलोमीटर विथ सर्विस रिकॉर्ड फर्स्ट ओनर देखिए इतना दिन से मैं गाड़ी के साथ हूँ गाड़ी एकदम मेरे साथ है मैं गाड़ी के साथ हूँ ऐसा फीलिंग्स आता है मुझे तो मैं इतना तो उल्लू नहीं हूँ कि भाड़ा खटा हुआ गाड़ी को कोई मुझे प्राइवेट बोल देगा और मैं बिलीव कर लू नहीं नहीं जरूर पर ये मेरे जो आंखों के सामने है ना ये हर किस भाड़ा खटा हुआ गाड़ी है नहीं, जो भाड़ा गाड़ी खटेगा ना तो देख के बताओ बता चार साल में गाड़ी थर्टी सेवन थाउजेंड नहीं चलेगा कोई सर्विस रिकॉर्ड फोन में है। नहीं नहीं कोई सोच सकता है मीटर टेम्पर किया हुआ है पैसा खिला के, के सर्विस रिकॉर्ड ये किया है। बहुत पैसा के के कैसे होता है? मेरे पास ऐसा कॉल आता है अभी तुम बिलीव नहीं करोगे वो बोलते है सर्विस रिकॉर्ड क्या बोलते है मेरा भी तो गाड़ी का शोरूम है बोलता है हाँ आपका आपका तो क्या है सर्विस रिकॉर्ड तो पैसा देके भी होता है रुपिया, होता नहीं करोड़ रुपया देने, से भी, देने से भी नहीं होगा नहीं भी होगा अगर होता है कोई टेम्पर हो गया उसका डीलरशिप उड़ जाएगा वही तो उसका डीलरशिप क्या है ना ये तुम जिसका जो बिलीव है मैंने बिलीव कर लिया अभी तुम बिलीव कर जो ज्यादा समझते है उससे बात करना बात करना बेकार है ऐसा भी सोचने वाला लोग है तो पर आप ना खुद गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो गाड़ी को खुद फील कीजिए आपको पता होगा कि वो भाड़ा कटा हुआ है कितना किलोमीटर ये 37 नहीं है तो अगर ये एक लाख चला हुआ है आपको पता नहीं होगा गधा कौन है आप एक देखिए ना गाड़ी कैसे सीना टाँग के खड़ा है एकदम वही तो। एकदम एकदम मजबूत है चलाइए चला के आपको पता हो जाएगा आप आइए बेंगाल मोटर्स पे स्क्रीन में नंबर है लोकेशन फिर से एक बार बता दो अभिषेक लोकेशन तो बेंगाल मोटर्स आप गूगल मैप में टाइप करने से मिल जाएगा देशबंधु पारा नियर तराई स्कूल दादा भाई क्लब मैं लैंडमार्क बोल रहा हूं सुजुशेन कॉलेज ये सब मेरा लैंडमार्क है आप एनजीपी का आप सिलुग्री में कहीं पे भी आइए अगर आप आ, मतलब आप खुद का गाड़ी में नहीं आ रहे तो आप एनजीपी जाने वाला कोई भी गाड़ी में चढ़ के ड्राइवर को बोलिए तराई स्कूल में उतार दीजिए बस इतना ही है तराई स्कूल से कॉल कीजिए तराई स्कूल से 150 मीटर है सिर्फ हम्म 150 मीटर है और लैंडमार्क हो गया दादा भाई क्लब आपका तोराई स्कूल सूर्य कॉलेज सूर्य कॉलेज नॉर्थ बेंगल का सबसे बड़ा कॉलेज है बेंगल मोटर्स पूछिए आपको बता देगा बता देगा आसपास में सब बता देगा आपको तो दीदी जो है बीस का गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स पेड फर्स्ट ओनर गाड़ी थर्टी सेवन थाउजेंड रिकॉर्ड सर्विस है प्राइस हो जाएगा आज के लिए ओनली सात लाख दूंगा ठीक है सात लाख दस हजार एकदम हाँ, फिक्स दीदी के लिए लाख क्योंकि सात लाख जैसा पर्चेसिंग है गाड़ी गाड़ी नो डाउट आप लेके स्विफ्ट चलाइए तो आते हैं और एक बी सिक्स ऑप्शनल ये ये अच्छा भी बीस का गाड़ी है बीस नवम्बर का गाड़ी है ये भी अच्छा। फर्स्ट ओनर बीस नवम्बर का व्हाइट कलर का बोलेरो रहो बी सिक्स ऑप्शनल माने टॉप मॉडल आपका सब कुछ मिल जाएगा गाड़ी में फीचर्स प्राइस आज के लिए हो जाएगा सेवन लाख एंड थर्टी थाउजेंड फिक्स

ऑलमोस्ट फिक्स है कुछ नहीं हो सकता है आप माइंड सेट यही बना के रखिए आइए तो कुछ देख लेंगे तो फिर और एक बार आइए आप लोग देखेंगे आप लोग देखेंगे ये वाला गाड़ी एक साल पहले मैंने बेचा था दीदी का वीडियो से अभी सेकेंड ऑनर है वापस। हाँ, अभी सेकेंड ऑनर है ट्वेंटी परसेंट डिप्रेशन में गाड़ी लिया हूँ सिर्फ सिर्फ आप भी लेंगे क्योंकि बोले रहो प्लास है ये लेना और जमीन खरीदना बराबर है क्योंकि डेप्रेशन होता ही नहीं है ठीक है तो ये वाला गाड़ी आज के लिए प्राइस होगा आप देख लीजिएगा पहले का प्राइस और आज का प्राइस ढूंढने से तो मिली जाएगा वीडियो आ, में मिल जाएगा स्क्रॉल स्क्रॉल करना करना पड़ेगा हाँ, करना और पड़ेगा जब करने आप जाएंगे ना कारोबार चैनल में तब एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि वही चीज आप भूलते हैं वही चीज भूलते हैं नोटिफिकेशन उसके उस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा आज वीडियो पब्लिश होगा अभी पब्लिश होगा और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा तभी जब आप सब्सक्राइब करेंगे दीदी आज का डेट में आज कारोबार का वजह से कितना आदमी को अच्छा अच्छा गाड़ी मिला चाहे वो बेंगल मोटर्स से हो और भी डीलरशिप से हो लेकिन गाड़ी मिला अच्छा अच्छा ठीक है तो प्लीज़ तो, सब्सक्राइब, प्लीज तो, सब्सक्राइब कीजिए और... ऐसा नहीं सबका बुराई करते हैं कोई कोई तो अच्छा है लेकिन प्राइस क्वालिटी में बेंगल मोटर्स का आसपास में भी कोई नहीं आ पाएगा ऐसा नहीं है सस्ता का माल एकदम बस्ता जैसा है सस्ता का माल भी सोना का लेंगे और सामान हीरा देंगे तो बोलेरो पंद्रह का पंद्रा। ये भी पंद्रह अक्टूबर का गाड़ी है अभी सिलीगुड़ी रेल स्टेशन है सेकेंड ओनर है नाइन सीटर बोले वीट एसी विध ए वालों नाइन सीटर वालो नाइन सीटर वालो करके तंग करते थे नहीं आप तो नहीं आया था दीदी मेरे पास उन्नीस का नाइन सीटर था हाँ। एक दिन में बिक्री हो गया मैं नहीं थी उन्नीस का नाइन सीटर सिर्फ सात लाख में बेचा एकदम उन्नीस का नाइन सीटर एसी ए सी पास्टर ए, ए बी एस वाला मॉडल मतलब वो भी उन्नीस नाइन सीटर बंद होने का एकदम लास्ट वाला मॉडल था ये उन्नीस का गाड़ी सॉरी ये आपका पं, पंद्रह का बोलेरो प्लस पच्चीस तक जेड एलता है, नहीं, नहीं। अच्छा ये सीटर। ये वाला है। था। वो, हाँ, वो सब तो टॉप मॉडल है या सोलह से पावर स्टेयरिंग आया था चौदह पंद्रह तक जो बोल रो थारिंग उसमें पावर स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग जो बिना मॉडल है उसका डिमांड सबसे ज्यादा है तो नाइन सीटर जिन लोगों को चाहिए जिन लोगों को चाहिए ये ये है नाइन सीटर प्राइस हो जाएगा

अभिषेक तुमको भी सॉरी कह रही नहीं, शायद नहीं, उस उस होगा आ, आ आ, तो ये बारह तेरा वाला गाड़ी नहीं है अठारह का गाड़ी अठारह पेट्रोल वेरिएंट में है सबसे जो मजेदार बात है किसी का ऐसा है डीजल लेने के लिए का कागन का गाड़ी मतलब पसंद है रेनाल्डन लेकिन डरता है डीजल लेने में ऐसा नहीं है नहीं होता है ना क्योंकि ये सब गाड़ी कैसा है एकदम मान लीजिए आप चाइना माल जैसा है <laughs> नहीं चाइना माल क्या क्यों बोला मतलब चाइना माल आदमी लोग कर देता है गाड़ी इतना हाँ। बढ़िया है ना आपका पूरा लाइफ टाइम देगा ये गाड़ी लेकिन आदमी ऑन टाइम इजी होता है डीजल गाड़ी का जो सबसे मेन होता है इजीआर हाँ। वो सब क्लीन नहीं करता है टारवो चौक होके गाड़ी को खराब कर देता है तो ये सब गाड़ी को अगर आप टाइमली मेंटेनेंस कर देते हैं ना तो ये गाड़ी कभी आपको रास्ता में या कोई दुख नहीं देगा अगर इस ये अगर एक अगर अनमेंटेनेंस में ये दुख देना शुरू कर दिया ना आपका घर जमीन सब बेचा देगा <laughs> तो ये सब गाड़ी ऐसा है ये सब गाड़ी से बहुत किसी का बैड एक्सपीरियंस है लेकिन मेरा व, तो वो तो बहुत सब... अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ आपका तो रेनल्टी है तो क्योंकि ऐसा होता है ना कोई कोई आदमी जानता ही नहीं कभी सर्विस मैनुअली खोला नहीं गाड़ी का की कैसे गाड़ी को कैसे कौन टाइम क्या लगता है गाड़ी में ऑन टाइम आप डीजल गाड़ी में क्लीन कीजिए uh, में जो uh, गैस जाता है वो उस, उस पार्ट को ईजीआर तो टार्बो अच्छा रहेगा कॉम्प्रेशन अच्छा होगा तो इंजिन अच्छा रहेगा कूलेंट कुलेंट ये चार पाँच चीजें अगर आप मेंटेनेंस में, में रखेंगे में गाड़ी तो तो कभी धोखा नहीं होगा कभी धोखा तो डस्टर तो बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा डस्टर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मिलेगा हर एक कंट्री में आपको ऑलमोस्ट डस्टर ये वाला डस्टर मिल जाएगा मैं कभी हॉलीवुड का मूवी देखेंगे तो डस्टर दस्टर मिल दस्टर जाता है डस्टर मिल जाता है तो डस्टर ऐसा एक गाड़ी है तो जो जिसका उतना टाइम नहीं है कि आप कुछ बहुत कम गाड़ी को यूज़ करेगा ठीक है लेकिन एक अच्छा गाड़ी रखने का है अच्छा गाड़ी सब डीजल में लेता है लेकिन ये पेट्रोल में है दीदी तेरह लाख रुपए ऑन रोड दाम है कितना में दे देर थर्टीन रोड दाम है तो, इंटीरियर जरूर दिखाई का इतना अच्छा दिखाने लायक तो, है एलॉय एल ऑय भी आपका डायमंड कट है आपका फीचर्स टॉप मॉडल में जो जो आता है आपका फोर डोर पावर विंडो कंपनी फिटेड आपका टच स्क्रीन सब कुछ गाड़ी में अवेलेबल इंटीरियर है कलर भी कलर भी फ्रंट बम्पर भी ओरिजिनल पेंट है एकदम चैलेंज करके बोलूंगा एक गाड़ी में दो चार आ, मतलब हेयर पांच छह जगह में थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस है लेकिन, में तो नहीं है लेकिन नहीं फ्रंट में नहीं है दरवाजा वगैरह में छोटा छोटा है लेकिन जो है गाड़ी ओरिजिनल पेंट में मैंने रखा है तो आप देखेंगे इतना चलेगा गाड़ी अठारह का गाड़ी टैक्स डस्टर टॉप मॉडल न्यू शेप पेट्रोल न्यू शेप ये सब न्यू शेप है देखिए आप गाड़ी न्यू शेप है प्राइस हो जाएगा आज के लिए ओनली पाँच लाख बीस हजार रूपया पाँच लाख बीस हजार में सिर्फ मिल रहा है लाख ,00, में का डस्टर टॉप मॉडल न्यू और राइट किलोमीटर ड्रिवन है आप टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए तो ये पाँच लाख और बीस हजार में पांच लाख और चौदह लाख का गाड़ी लेके जाइए चौदह लाख का गाड़ी लेके जाइए वो भी का तक टैक्स ये सब गाड़ी साढ़े छह लाख सात लाख बेच देगा दूसरा डीलर मिलेगा तो <laughs> इसका तो ये हो गया डिजायर वो भी व्हाइट कलर में डिजायर है डिजायर वाइट कलर में बहुत लोगों का डिजायर है जरूर जरूर बहुत आपको इसमें पावर विंडो पावर स्टेयरिंग जो मिलता है ये सब बोलने का कुछ नहीं है कुछ है नहीं पेट्रोल में है व्हाइट कलर में है पेट्रोल सोलह लास्ट का गाड़ी है छब्बीस छब्बीस देख सकते हैं कंडीशन और ऊपर से कलर है व्हाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गाड़ी चलता था एकदम भाड़ा घटा हुआ गाड़ी नहीं है कलकत्ता का भीतर का आलिपुर एकदम आलीपुर मतलब कलकत्ता का प्रीमियम लोकेशन है उधर का नंबर है फर्स्ट ओनर ऑब्वियसली तो आप ये सब भाड़ा खटा हुआ गाड़ी नहीं है गाड़ी का पहले वाला फ़ोटो दिखा देंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था और गाड़ी के ऊपर लाल नील बत्ती तो भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नील बत्ती वाला था मतलब तो कि गाड़ी कैसा मेंटेन हुआ है पहले का फोटो दे दूंगा गाड़ी का <laughs> तो प्राइस हो जाएगा आज के लिए थ्री लाख एंड सिक्सेंडी थ्री लाख एंड सिक्सेंड ऑन आई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी तेईस का गाड़ी है फर्स्ट ओनर ऑब्वियसली आई ट्वेंटी बोलना ही क्या है सबेंटी तो आई ट्वेंटी है तेईस का गाड़ी ये मैग्ना ऑप्शनल है। I20 का ना वो ड्राइविंग मुझे अलग अलग नेक्स्ट लेवल का है बहुत अच्छा। so, I20, आपका ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का दो हजार तेईस का गाड़ी फर्स्ट ओनर भी टचअप हुआ नहीं है जो है ओरिजिनल है पीछे में छोटा सा स्क्रैच है कर दूंगा 23 का ही तो है। हाँ, 23 क्या होगा <laughs> <क्या> हो <गा। laughs> कितना so, बता किलोमीटर किलोमीटर ट्वेंटी फाइव अराउंड है ऑप्शनल मॉडल है आज आज खरीदने जाएंगे तो नौ लाख अस्सी हज़ार रुपया इसका दाम है अभी खरीदने जाएंगे तो इस इसका परचेस प्राइस था नौ लाख बीस हज़ार रुपया मैग्ना ऑप्शनल मतलब स्पोर्ट्स ही है सिर्फ एलॉय नहीं है लेकिन व्हील कैप बहुत शानदार डिज़ाइन का है लाइक एलॉय का जैसे ही है तो इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल से लेके सब कुछ मिल जाएगा आपको वो आर वी एम সব কিছু ইলেকট্রনিক হ্যাঁ সব ইলেকট্রনিক হ্যাঁ তো দিদি বাংলা বলে দিচ্ছিল এই গাড়িটা এই গাড়িটা বাংলায় করি তো উনিশ তেইশের গাড়ি নয় লাখ তিরিশ হাজার টাকা আজকে তিরিশ হাজারে গাড়ি পারচেসিং করা আছে আজকে কিনতে গেলে নয় লাখ আশি আছে দাম আমরা এটার প্রাইসের প্রাইস করে নেব কত করব ছয় লাখ ছয় লাখ বিশ হাজার টাকা

कम दामी है व्हाइट कलर सबसे मतलब कॉस्टिंग कम होता है और आदमी व्हाइट का है व्हाइट कलर सबसे कम दामी है अच्छा है ना हाँ, सबसे महंगा कलर है रेड रेड हाँ तो तो मेरा अपना गैरेज है बोल के मेरे को टेक्निकल सब कुछ मालूम होता है तो ये है हो गया सेवनटीन का क्विड क्विड ए पावर स्टेरिंग कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम सब कुछ है गाड़ी में क्विड सत्रह का गाड़ी तक टैक्स पेड प्राइस हो जाएगा आ, आज के लिए कितना में सोलह का नहीं है सत्रह का गाड़ी सत्रह मिडिल का गाड़ी है अच्छा ये गाड़ी हंड्रेड अच्छा ये गाड़ी केवी हंड्रेड अच्छे दीदी बोले दो কম্পেয়ার করে বলবো এই গাড়িটার সাথে এই গাড়িটার সাথে কিছু কম্পেয়ার হবে না কিছু কম্পেয়ারই হবে না কারণ গাড়ি বাম্পার অরিজিনাল মেন্ট একটু দেখে বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে গাড়ি স্টেপনি আনইউজড স্টেপনি আনইউজড 18 এর গাড়ি 20 2018 কি গাড়ি 18 কি গাড়ি হ্যাঁ স্টেপনি ভি আনইউজড হ্যাঁ স্টেপনি আনইউজড দুই এয়ারব্যাগ সে लेके फोर पावर विंडो से लेके सब कुछ मिल जाएगा क्या कुछ नहीं के इसका थोड़ा दीदी एक बार दिखा देते ये सब एम एम फैल्कॉन इंजिन है ये सब देखिए शेप अलग है शेप अलग है। हाँ ये एनएक्सटी वेरियंट है इसका ये सब बम्पर वगैरह से लेके कॉस्मेटिक चेंजेस है गाड़ी इंजिन सेम है तो ये गाड़ी का प्राइस और गाड़ी का क्वालिटी अनमेड अठारह का गाड़ी मार्केट में चार लाख का नीचे नहीं है अच्छा गाड़ी में और एक चीज बहुत बढ़िया है दीदी वो है गाड़ी सिर्फ एटीन थाउजेंड किलोमीटर की गाड़ी टायर 18 अभी तक थाउजेंड किलोमीटर मतलब इतना सुंदर कंडीशन में जो गाड़ी का ये सब स्टॉक टायर है अब डेट देख लीजिएगा टायर का एट्टीन का डेट है टू का मैन्यूफेक्चर है और स्टेपनी तो अनयूज है तो एटीन का गाड़ी फुल पेंट इसका भी न्यू का प्राइस कितना है ये तो अभी डिस्कंटिन्यू हो गया है लेकिन ऐसा मत सोचेगा लास्ट कितना तक मतलब था न्यू का एट लाख 8 लाख ये ये मॉडल का एट था जो एकदम टॉप एंड आता है के, के 8, ये तो K6 है जो इसका ऊपर में जो वेरिएंट आता है वो 9 लाख तक चला जाता है उसमें कुछ नहीं एंबिएंट लाइटिंग होता है पीछे में पावर विंडो पार, पीछे आपका सॉरी वाइपर होता है इसमें तो पावर विंडो 4 ही है वही होता है बाकी सब सेम है तो कितना में दोगे ये गाड़ी जस्ट आप आके देख के जाइए प्राइस हो जाएगा आज के लिए 3 लाख 50000 3.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए में 18000 चलावा 18 का है अच्छा, और एक बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी हाँ, सोला का गाड़ी फर्स्ट ओनर मोटर्स में आपको नाइन्टी परसेंट फर्स्ट ओनर मिलेगा एक ही सेकंड ओनर मिला आज एक दो गाड़ी है लेकिन थर्ड ओनर नहीं होता है बेंगल मोटर्स में अगर होता है तो बोल दूंगा ये थर्ड ओनर है तो आप थर्ड ओनर होने से भी नहीं सोचिए क्योंकि थर्ड ओनर गाड़ी भी हम लोग थर्टी परसेंट में बाई बैक करते हैं कोई बोल सकता है कि दो साल का बाद क्या होगा <laughs> दो साल का बाद 40 दो साल से साढ़े तीन साल तक ही हम लोग का ऊपर का, का गाड़ी हम लोग नहीं लेंगे कि बहुत साढ़े तीन साल में एक आदमी वो गाड़ी को कैसे रखता है क्या नहीं रखता है हा, हा। तो साढ़े तीन साल तक गाड़ी हम लोग बाईबैक कर लेते हैं तो उसमें फोर्टी परसेंट होगा अगर आप गाड़ी ले रहे हैं दूसरा अगर पैसा ले रहे हैं फोर्टी परसेंट दूसरा गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आपका थर्टी फाइव परसेंट अगर दो साल का भीतर में है तो उसमें हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव गाड़ी लेने से और पैसा हाथ में लेने से आपको थर्टी परसेंट में गाड़ी आपको बाईबैक हो जाएगा

<laughs> तो फिर वो दिखाएंगे अभी <laughs> तो जैसे पंद्रह गाड़ी देखा के आया अभी दो टैंक बोले थे तो दो टैंक है हा? फर्स्ट ओनर पंद्रह का मिड ऑफ द ट्वेंटी फाइव का गाड़ी है इको स्पोर्ट्स टॉप मॉडल डीजल डीजल में आपको बीस बाईस का माइलेज मिल जाएगा इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम फर्स्ट ओनर ऑब्वियसली पच्चीस फोर्ड वापस आ रहा है हाँ फोर्ड वापस आ रहा है और पास लेके भी प्रॉब्लम नहीं है सारा पार्ट्स आपको और सर्विस सेंटर भी अवेलेबल अवेले है टाटा का साथ मर्ज हुआ है अभी टाटा का सर्विस सेंटर में फोर्ड का गाड़ी सर्विस हो रहा है मालूम है सबको नहीं मालूम है हां मुझे तो मालूम है रंगीत रंगीत का वर्कशॉप हाँ, हाँ। में आई थिंक फोर्ड का, का गाड़ी सब हो रहा है तो टाटा का सब टाई हो गया है तो इकोस्पोर्ट्स प्राइस होगा 15 का गाड़ी मार्केट हिल जाएगा हो जाएगा प्राइस होगा तीन लाख बीस हजार रूपया तीन लाख बीस हजार है नहीं। हिल तो जाएगा, हिल चुका है सुन के होगा तो पंद्रह का इको भी पंद्रह ऐसा नहीं जनवरी में टैक्स है टैक्स है सेप्टेम्बर अक्टूबर में टैक्स होगा टॉप मॉडल अभी ऐसे भी नहीं एम्बियन मॉडल है टॉप मॉडल है टॉप मॉडल है से लेके सब कुछ अवेलेबल है तो प्राइस हो जाएगा थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड दूसरा टैंक दूसरा टैंक पीछे है अच्छा दूसरा टैंक है ये देखिए इको स्पोर्ट्स टैंक भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी ये भी सेम है इको स्पोर्ट्स टॉप मॉडल डीआरएल से लेके डीआरएल पुश स्टार्ट कीलेस अलॉय क्या नहीं है गाड़ी में क्या तो, नहीं है गाड़ी तो, में तो 14 ये कौन से साल की 14 दिसंबर का गाड़ी अच्छा, 14 दिसंबर 14 दिसंबर की गाड़ी टैक्स होगा टैक्स है इसका गाड़ी का दिसंबर महीना में तो टैक्स अगर भर देंगे तो 3.5 लाख अभी भर क्या करेंगे बहुत टाइम है छः महीना से ज्यादा बाकी है छह महीना बाकी है पूरा तो हो गया प्राइस होगा तीन लाख रुपया टाइटेनियम टॉप मॉडल सब कुछ तो आप लोग हिल चुके होंगे अभी थोड़ा शांति से बैठिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू